तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास हीरो की पैशन प्रो i3s बाइक, और इस बाइक का जो इंडिकेटर है लेफ्ट साइड का आगे का, वो ख़राब है, वो टूट चुका है। तो इसे मैं आप लोगों को चेंज कैसे करना है ये बताऊंगा, इसका वाइजर कैसे खोलना है, इसका इंडिकेटर कैसे निकालना है और चेंज कैसे करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को आज मिलने वाली। तो चलो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस इंडिकेटर को चेंज करने के लिए हमको इसका वाइजर खोलना पड़ेगा। तो वाइजर कैसे खोलना है ये आप लोगों को बताते हैं, और इंडिकेटर कौन सा हम इसमें लगा रहे हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलो इसका वाइजर पहले खोलते हैं और आप लोगों को बताते हैं इसका वाइजर खोलना कैसे। तो सबसे पहला स्क्रू हमको खोल लेना है जो यहाँ पे लगा हुआ है, देखो स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर ले लेना आप लोगों को। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ, स्क्रू को इस तरीके से खोल लेना है। तो इसमें टोटल स्क्रू हैं चार, तो चार किस किस जगह पे वो आप लोगों को बताते हैं। तो पहला स्क्रू हमने खोल लिया है, ये देखो ये खुल चुका है, और इसे हम निकाल लेते हैं, इसे अलग कर देते। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो एक स्क्रू इस जगह पर, तो इसे भी हम खोल लेते हैं। अब इसे खोलते हैं, ये स्क्रू को आप लोगों को खोल लेना, दो स्क्रू हमारे खुल जाएंगे, है ना। और इसके बाद अब जो दो स्क्रू और हैं वो आप लोगों को बताऊंगा किस जगह पे। और ये जो इंडिकेटर हम चेंज कर रहे हैं, ये हमारा जो इंडिकेटर है इसे हम चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो इंडिकेटर है वो तो टूट चुका है। आप लोगों ने देखा वो इंडिकेटर टूट चुका है आगे का लेफ्ट साइड का, तो उसके लिए हमको इसका वाइजर खोलना पड़ रहा है। तो हमको वाइजर खोलना पड़ेगा, अगर हम ऐसे ही चाहें डाल लें बदल दें तो नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि इसका जो बोल्ट है इंडिकेटर का वो अंदर से लगा होता है। तो हम ये सब चारों जो हमारे स्क्रू हैं वाइजर के वो खोलते, देखो दो हमने उस साइड से खोला था, दो स्क्रू हमारे इस साइड में है, तो एक यहाँ पे है और एक नीचे के साइड में है। तो चलो मैं एक स्क्रू पहले ये वाला निकाल लेता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को जो चौथा स्क्रू है वो आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद इसका वाइजर कैसे निकालना है, अलग कैसे करना है वो बताएंगे आप लोगों को। तो पहले हम यहाँ पर एक स्क्रू होगा ये, तो इसे भी खोल लेना है। तो हमने चारों स्क्रू खोल लिया वाइजर के, अब इस तरीके से पकड़ के इसे निकाल लेना। ये देखो ये निकल गया बिल्कुल, वाइजर और हेडलाइट अलग हो गए। यहाँ पे एक इसका स्विच होगा, ये स्विच को यहाँ से प्रेस करके इसे कंप्लीट बाहर कर देंगे। देखो हेडलाइट और वाइजर दोनों को हमने बाहर कर दिया है, और अब इसका इंडिकेटर जो है वो चेंज करते हैं। ये मेरे पास है इंडिकेटर, ये एकदम ओरिजिनल नहीं, आप लोगों को लेना तो आप लोग किसी शॉप पे जाना और बोलना पैशन प्रो i3s का इंडिकेटर दे दो, तो आप लोगों के ऊपर आप लोग ओरिजिनल लो या उससे कम क्वालिटी का लो। तो मैं कम ही क्वालिटी का डाल रहा हूँ, ओरिजिनल नहीं डाल रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये चीज़ पहले कंफर्म करा दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को ओरिजिनल डालना तो आप लोग ओरिजिनल लो, और अगर आप लोगों को सस्ता वाला लेना तो सस्ता वाला लो। बाकी आप लोगों को जाना है और क्या चीज़ बोलना है आप लोगों को बोलना है, अगर इस साइड का टूटा हुआ है तो इस साइड का इंडिकेटर को आप लोगों को ये बोलना है कि हमको चाहिए पैशन प्रो i3s का इंडिकेटर लेफ्ट साइड का आगे का। तो इस तरीके से आप लोग बोलोगे तो आप लोगों को इंडिकेटर जो है वो मिल जाएगा। बाकी यहाँ से इसकी दोनों वायर को अलग कर देते हैं, देखो दोनों इंडिकेटर की वायर है ये, इसे हम निकाल देते हैं। ये क्लिप में मेल फीमेल क्लिप में जॉइंट रहती है, इसे निकाल देना। अब यहाँ पे 14 नंबर का बोल्ट होगा जो इंडिकेटर में लगा होगा, तो 14 नंबर के रिंच से आप लोगों को इस बोल्ट को पूरा खोल लेना है। ये हमारा होता है जो इंडिकेटर का बोल्ट, इंडिकेटर है उसका जो बोल्ट है वो इस जगह पर लगा होता है, इसे आप लोगों को पूरा खोल लेना है। तो हमारा इंडिकेटर का बोल्ट जो है वो हम खोल रहे हैं, ये खुल गया, और ये इंडिकेटर पकड़ के खींच लोगे ये इंडिकेटर कंप्लीट निकल जाएगा। तो हमारा इंडिकेटर जो पुराना वाला था वो हमने निकाल लिया, कैसे निकाला वो आप लोगों ने देखा। अब लेते हैं नया वाला इंडिकेटर जो ये है, तो इसका जो बोल्ट है पहले हमको खोल लेना है। ये देखो ये 14 नंबर का बोल्ट होता है, इससे पहले आप लोगों को पूरा खोल लेना है, और फिर फिटिंग कैसे करना है वो आप लोगों को बताऊँगा, और इसकी वायरिंग वगैरह की भी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो यहाँ पर हम इसका बोल्ट ये देखो ये निकाल लिए। अब यहाँ पर जो क्या करना है, ये वायर को पकड़ना है और यहाँ से इस होल से वायर को अंदर करना है इस साइड में, यहाँ से पकड़ के कुछ इस तरीके से करके यहाँ से पकड़ के इसे खींच लेंगे। ये देखो यहाँ से ये इस तरीके से खींच लेना, और इंडिकेटर को कर देना है इस कुछ इस तरीके से ऊपर। ये देखो ये हो गया, और अब इसमें बोल्ट लगाते हैं, कैसे लगाना वो बता दें। यहाँ का वाइसर निकल गया, पहले तो आप लोगों को ये वाला वाइसर बैठा लेना, ये वाला वाइसर। अगर आप लोगों का नहीं बैठेगा तो इंडिकेटर जो है वो आप लोगों का नहीं लगेगा। तो वाइसर बैठा लेना कुछ इस तरीके से, खांचे में बैठ जाता है, ये देखो बिल्कुल बैठ गया खांचे में, उसी साइज का रहता है ये। बाकी अब इसका बोल्ट लगाते हैं, बोल्ट कौन सा लगाना है वो आप लोगों को बताते हैं। ये देखो जो हमने पुराना बोल्ट खोला था इसमें से, ये वाला ये हमारा बिल्कुल ओरिजिनल बोल्ट है, ये तो सादा वाला है, तो ओरिजिनल, इसके साथ में वाइसर वगैरह लगा हुआ है। तो पुराने वाले बोल्ट को आप लोगों को लगाना है, नए वाले बोल्ट को आप लोगों को नहीं लगाना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत बोल्ट है, तो इसमें वाइसर भी लगा हुआ है।
तो यहाँ से वायर से बीच में कुछ इस तरीके से बोल के बीच में से निकाल लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे ये देखो इसे पूरा छोड़ देंगे। यहाँ से इस तरीके से ये जाएगा और सीधा इंडिकेटर वाले यहाँ पे अटैच हो गया था, इंडिकेटर का जो बोल्ट होगा उसमें अटैच करके अब ये बोल्ट को आप लोगों को फुल टाइट कर देना है। इतना भी ज़्यादा ताकत से मत टाइट करना कि आपकी जो बोल्ट है वो हाथ में ही आ जाए, मतलब आपका इंडिकेटर टूट जाए। तो आप लोगों को बिल्कुल प्यार से टाइट करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं टाइट करना है और बहुत कम भी नहीं टाइट करना है। तो चलो अब हम 14 नंबर की रिंच ले लेते हैं और इंडिकेटर का जो बोल्ट है वो हमको टाइट करना है। और अभी हमारा इंडिकेटर टाइट हो चुका है, कंप्लीट फिटिंग हो चुका है और अब इसका वायर आप लोग समझना है। देखो हरी वाली जो वायर है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, हरी वाली वायर ये देखो ये है, और जो नीली वाली वायर है ये वाली आप लोगों को लगा देना है इस वाली वायर में। तो यहाँ पे हमने दोनों वायर को अटैच कर लिए, ये देखो सेम इसमें लगाया, हरी वाली को हरी में, नीली वाली को जो हमारी ऑरेंज कलर की उसमें लगाया। बाकी चाबी को ऑन करते हैं, इंडिकेटर चालू करते हैं, ये देखो इंडिकेटर चालू हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने घर पे इंडिकेटर चेंज कर सकते हो। वायरिंग भी बता दिया और कैसे लाना है ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया। ये आप लोगों को मिलेगी गैरेज के वर्क शॉप में, आप लोगों को इंडिकेटर बोल के ले लेना या तो अपनी बाइक लेके जाना और दिखा देना कि ये वाला इंडिकेटर हमको चाहिए। बाकी अब इसका जो हेडलाइट है वो लगा के इसको टाइट कर देते, क्योंकि यहाँ पर हमको स्विच लगाना पड़ेगा, ये हमारी हेडलाइट की स्विच है, तो ये नहीं लगाएंगे तो हमारी हेडलाइट नहीं जलेगी। तो यहाँ पे हमने कपलर लगा दिया है। बाकी अब इसका जो हेडलाइट है ये देखो, ये यहाँ पे खाँचा आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे कटिंग हुआ कटा हुआ और ये यहाँ पे बैठेगा, ये देखो इसके अंदर घुस जाएगा, बैठ जाएगा। तो चलो इस वाइजर को हम बैठा लेते हैं, उसके बाद जो इसके स्क्रू हैं वो सारे लगा के टाइट करते हैं। तो वाइजर हमारा बैठ गया, अब स्क्रू टाइट करना है। तो चार स्क्रू हैं टोटल, आप लोग घर पर भी खोल सकते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर से सारे स्क्रू खोल सकते हो, इंडिकेटर भी बदल सकते हो 14 नंबर की रिंच से, बाकी दो ही पाने लगेंगे इसमें। तो चलो अब हम वाइजर को कंप्लीट कर लेते हैं फिटिंग, मतलब जितने भी स्क्रू हैं वो सब लगा के टाइट कर लेते हैं। तो कंप्लीट हमारे सारे स्क्रू हो गए टाइट, हमारा वाइजर और हेडलाइट दोनों फिटिंग हो चुका है। ये पुराना वाला रखा है तो चाबी को ऑन कर देते हैं, ये देखो इंडिकेटर चालू है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने बाइक का इंडिकेटर चेंज कर सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।